स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आप सब सब लोग मैं मोइन पठान एक बार फिर से लोगों आज, आज लोग आज आज लोग, लोग हो लोग रहे होंगे लेकिन, लेकिन, अब हमारी सीरीज जो है कंटिन्यू रहने वाली है ठीक है बीच में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को और आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सुबह करंट अफेयर्स भी करने वाले आठ बजे ठीक है तो उस चीज को नहीं भूलना कि करंट अफेयर्स के क्लासेस भी कल से स्टार्ट होने वाले मैं घर गया हुआ था और अब मैं आ चुका हूं और अगर मैं आ गया हूं इसका मतलब क्या धुरेदार एक से बढ़कर एक सेशन आप लोगों के लिए रोज बरोज बरोज बरोज, बरोज आते रहेंगे आप सबका स्वागत करता हूं मैं ह्यूमैटिसन पर जो कि आप लोग आप लोगों के लिए आता है बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ह्यूमैनटीज रिलेटेड वीडियो से रेलटेड बहुत सारी न्यूज बहुत सारे करेंट अफेर बहुत सारा जी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्ट एजुकेशन बहुत सारे बहुत सारे नोफिकेशन बहुत सारे और आप सबकी हेल्प करता है आपके में. को में और आपका में तो क्या आप सब लोग रेडी है अगर रेडी है तो फटाफट फटावट फटाट से दिखाओ मुझे अपने से बोलोगी सर एकदम से कोई दिक्कत वाली बात है फिजा के लिए अनिंदी ऋतु पटेल अनुष्का मिताली रॉय मुस्कान मानसी पूजा तनीशा तुलसी आलू का पराठा इक्कू स्वाति कुमारी इट्स मी गीतांजलि ओमामा सऊद ठीक है रोशनी रिचा इक्कू और कौन है चलो बहुत सारे लोग आ गए है ना बहुत सारा मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार बहुत सारे मेरी तरफ से हक मेरे से बहुत सारा चुम्बेश्वर आप लोगों के लिए आइए स्टार्ट करते देखते हैं आज हमारे पास क्या है बच्चे आज कम है है ना बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा कि दस बजे क्लास थी uh, मैंने हालांकि अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपडेट करने की कोशिश करी थी है ना और uh, मैं घर गया हुआ था तो मैं ले नहीं पा रहा था वहाँ से यूट्यूब uh, पर क्लासेस खैर कोई दिक्कत नहीं है अब मैं आ गया हूँ तो आपसे स्टार्ट करें जब जागो तब सवेरा ठीक है आज अपन क्या करने वाले आज अपन देखेंगे एंड ऑफ बायपलरिटी के कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को है ना एक बार सेशन को जरा शेयर करो जल्दी जल्दी से और एक बार लाइक भी कर दो फटाफट फटाफट से ताकि अपन स्टार्ट करें वन फोर्टी वन बच्चा आ चुका है वन फिफ्टी फाय वन स्टार्ट कर देंगे ठीक है एक सौ पचास बच्चा होते स्टार्ट कर देंगे जरा मुझे ये बताओ कि इस गैप में आप लोगों ने ढंग से पढ़ाई करी है नहीं करी अगर ढंग से पढ़ाई नहीं करी है तो दोबारा से स्टार्ट करो है ना दोबारा से रि स्टार्ट करो एक बार चलाओ जल्दी से हैश टैग र र का निशिका हेलो 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 बुशरा अकीरा तरमेज नुपुर अन्या अन्नू शिवम हानेहा स्नेहा सुमन द मोस्ट लकर्ल ऑफ अडर ट्वेंटी रिया अहमद्ला भूमिका स्वाति सबको 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 अनु ठाकुर अनु भी आ गई है सबसे सब पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए आप लोगों के टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से देखिए जरा क्या क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के साथ आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं आप लोगों को तो सबसे सब पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए द बर्लिन वॉल वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल इन तो बर्लिन वॉल को लोगों ने कब तोड़ा था जरा फटाफट फटाफट से हमारे ईयर नहीं चाहिए मुझे, चाहिए मुझे, मुझे वॉल को कब तोड़ा गया था ठीक है इसके साथ साथ मुझे दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि बर्लिन वॉल को कब तोड़ा गया ये तो क्वेश्चन ही मुझे बताइए कि बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट कब करी गई थी बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्ट कब करी गई थी व्हेन वाज द बर्लिन वॉल कंस्ट्रक्टेड जरा बताइए फटाफट 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 से बताइए क्या रहने वाला है। इसके साथ मुझे एक और क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग मुझे बताइए मुझे बताइए कि बर्लिन वॉर कब हुआ था जरा बताओ फटाफट फटाफट से बर्लिन वॉर का टाइम पीरियड बताओ जल्दी जल्दी से मुझे बताओ बर्लिन ब्लॉकेट का टाइम पीरियड हा सर <laughs> बर्लिन ब्लॉकेट का टाइम पीरियड बताइए फटाफट 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 से बर्लिन ब्लॉकेट का टाइम पीरियड क्या क्या था ठीक है इसके साथ साथ मुझे जल्दी जल्दी से बताइए आप लोग क्या बताएंगे आप लोग मुझे बताइए फटक 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 से ठीक है बर्लिन वॉल बर्लिन वॉल बर्लिन के कौन से हिस्से को सराउंड करती थी, थी? बर्लिन वॉल बर्लिन के कौन से हिस्से को सराउंड करती थी ईस्ट बर्लिन को वेस्ट बर्लिन को साउथ बर्लिन को या नॉर्थ बर्लिन को आप लोग बताएंगे फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या रहने वाला है बहुत सारे लोग बहुत सारी ढंग के आंसर दे रहे हैं ठीक है गुड 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 मिनेश का आंसर दिखाई दे रहा है शाहजहां का दिखाई दे रहा है पलक उपाध्याय का दिखाई दे रहा है दीप्ति का दिखाई दे रहा है दिप्ति परी शायद दिप्ति परी फर्स्ट बार पहली बार क्लास में आई है ना चलो वेरी गुड बर्लिन वॉल कब टॉपल करी गई थी तो हम सबको पता है कि 1989 में डेट आप लोगों ने नहीं बताई है डेट बता देना आप लोग चलो मैं भी बता देता हूं नाइन्थ नवंबर 1989 अच्छा मुझे एक और चीज बताइए बर्लिन बर्लिन के बर्लिन वॉल के टूटते ही बर्लिन का यूनिफिकेशन हो जाता है 1989 में 1990 में 1990 किस चीज का यूनिफिकेशन होता है 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ वॉट

क्या बताएंगे आप लोग बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं ठीक है मुझे बताइए आप लोग कि बर्लिन वॉल बर्लिन वॉल की लेंथ क्या थी वॉट वॉज द लेंथ ऑफ द बर्लिन वॉल जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर का रहने वाला है ठीक है वॉट वॉज द लेंथ ऑफ द बर्लिन वॉल जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या रहने वाला है हाँ जर्मनी तो ठीक है हाँ वेरी गुड 1990 में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था 100 परसेंट राइट आंसर है आप लोगों का एकदम मस्त ठीक है और बताइए 155 किलोमीटर किलोमीटर्स और माइल्स में बताओ माइल्स में बताओ किलोमीटर तो बिल्कुल ठीक है माइल्स में बताओ मुझे 155 किलोमीटर 100 परसेंट राइट आंसर है मुझे चाहिए आंसर माइल्स में कितने माइल्स कितने माइल्स 96 माइल्स का आंसर आ गया है किसका आया था 96 माइल्स 153 माइल्स अपूर्व का बिल्कुल गलत आंसर है ठीक है भारतीय किलोमीटर एटी माइल्स किसने दिया है गलत आंसर है ठीक है और कौन है और कौन है 96 miles, कौन दे रहा है शिवम दे रहा है शायद ठीक right है 96 100% कि 96 माइल्स का इसका क्या था लेंथ था यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है तो जरा दिखाओ मुझे अपने गंदा गंदी से बोलोगे सर एकदम समझ में आ गया है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यही से क्वेश्चन आएगा ठीक है कहीं नहीं जाना इधर से ही ठीक है मोहिंद सर जो कराएंगे वही आएगा पेपर में याद रखना पिछले साल सबसे ज्यादा हंड्रेड परसेंट डल दिए इस बार ऐसा रिकॉर्ड बनाने वाला होना कसम से ठीक है मतलब इंडिया वाले लोग आगे चुम्मा ले लेंगे कि सर क्या कर दिया आपने समझ में आएगी नहीं क्लियर हंड्रेड परसेंट यहां तक क्लियर तो जरा शोमी और गंगा गंदा थम से जल्दी जल्दी से ठीक है बहुत सारे गंदे गंदे थम आ गए हैं हर्षित का आ चुका है अस्कू का आ चुका है अनिंदित अनिंदिता का आ चुका है और कौन है मोनिका तनीषा सानिया परवीन सोनम जिज्ञासा सऊद अंकिता तनुजा सीक्रेट सुपरस्टार ओहो यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार चलो क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं क्वेश्चन नंबर टू जरा ध्यान से सुनना एसेशन रीजन है ठीक है अगर लिंक करता है सेंटेंस वन और सेंटेंस टू तो क्या करेंगे ए आंसर लगा देंगे लिंक नहीं करता है दोनों सही है तो बी लगा देंगे एक सही एक गलत के लिए सी और डी है अपने पास ठीक है लिंक देखना है बिकॉज ऑफ कुछ नहीं देखना लिंक करता है या नहीं करता ठीक ठीक है एसेशन जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वॉज यूनिफाइड अच्छा जर्मनी जो था जो कि डिवाइड हो चुका था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में वो यूनाइटेड हो चुका है यानी कि ये बात कर रहा है 1990 की ओके सही बात है बिल्कुल सही बात है द एट ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस द कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू द टू मास ये बोल रहा है कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज या आठ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो थी इन्होंने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स को गिरा दिया और इंडिपेंडेंट होने की बातें करने लगी क्या सेंटेंस सही है बिल्कुल सही सेंटेंस है ऊपर वाला सेंटेंस भी सही है नीचे वाला सेंटेंस भी सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहे हैं दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं अरे बोलो हा कि ना दोनों अलग अलग बातें कर रहे हैं इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि ए तो हमारे पास आंसर नहीं आएगा क्यों ए आंसर तब आता जब एसर्शन भी सही होता रीजन भी सही होता और दोनों लिंक करते हैं। तो लिंक नहीं कर रहा है क्लियर ठीक है दूसरा क्या बता रहा है एसर्शन एंड रीजन आर करेक्ट क्या दोनों सेंटेंस करेक्ट है हाँ दोनों सेंटेंस करेक्ट है हाँ ना लेकिन

कैसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसी तरीके से सॉल्व करना और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं बहुत सारे ठीक है जो मैं कराऊंगा उसके बाहर नहीं आना ठीक है ट्रस्ट ट्रस्ट वाली बात है है ना बिलीव कर लो एक बार तुम लोगों ने मेरे पे बिलीव कर दिया तो तुम्हें पता है एक बार मैं क्या करता हूँ कोई चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो जब तक खत्म नहीं करता तब तो तक छोड़ता नहीं हो पॉलिटिकल साइंस का बोर्ड्स का पेपर अपना अच्छा हुआ था सी का उससे भी अच्छा होगा ड्रीम यूनिवर्सिटी में बैठना है फॉलो करना है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ठीक है साथ देना है बस कुछ नहीं करना भरोसा करना है साथ देना है क्लियर चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर थ्री द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स यूएसएसआर केम इन टू बींग आफ्टर द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन इन रशिया इन चलिए बताइए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन रशिया में कब आया था ऑप्शन है हमारे पास 1912, 1917, 1918 या 1920 फटाफट फटाफट आंसर दीजिए मुझे आप लोग बताइए कि यूएसएसआर कब बना था वन वॉज यूएसएसआर एस्टैब्लिश्ड वन वॉज यूएसएसआर एस्टैब्लिश्ड ये आप लोग बताएंगे मुझे मुझे आप लोग बताइए कि यूएसएसआर में यूएसएसआर में कितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी हाउ मेनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज वर पार्ट ऑफ यूएसएसआर कितनी सेंट्रल एशियन कंट्रीज यूएसएसआर का पार्ट था आप लोग बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा ठीक है उन्नीस आप लोगों का आंसर आया हंड्रेड सही है मुझे बताइए कि रशिया में नाइनटीन से पहले बिफोर नाइनटीन सेवनटीन हु वॉज द राजा बिफोर हु द किंग किंग का नाम बताइए फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं है तो मुझे मेल करिए फटाफट फटावट से खान डॉट आई यू एट द रेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर और मेल करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा सारी की सारी पीडीएफ वहीं पर मिलने वाली है आप लोगों को क्लियर पहला लीडर कौन है का पहला वही जो 1917 में क्या करेगा? 1917 में जो आएगा मुझे बताइए बिना रु्र के आंसर आना चाहिए आप लोगों का मुझे आप लोग बताइए जिस जिसने आंसर दिया है पंद्रह कंट्रीज सबके आंसर गलत है सबके आंसर 100% गलत है याद रखना यूएसएसआर में पांच सेंट्रल एशियन कंट्रीज है से, कितने सेंट्रल एशियन कंट्रीज से, पांच कौन सी कौन सी ताजाकिस्तान कजाकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान समझ में कि नहीं ध्यान सुनो जो मैं बता रहा हूं यूएसएसआर यूएसएसआर में टोटल कंट्रीज है पंद्रह ठीक है इसमें से आठ कंट्रीज है यूरोपियन कंट्रीज आठ है यूरोपियन कंट्रीज सात कंट्रीज है एशियन कंट्रीज सात एशियन इन सात में से पांच कंट्रीज है सेंट्रल एशियन कंट्रीज समझ में आया क्या अरे मगज में आया क्या क्लियर छे क्या एकदम पक्की बात छे क्या नहीं बताओगे हाँ वलादिमिर लेनिन आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर आया कि सर सोशलिस्ट रिवोल्यूशन अक्टोबर रिवोल्यूशन या रशियन रिवोल्यूशन या फिर यूएसएसआर का पहला लीडर वालादिमिर लेनिन था मुझे एक चीज बताओ फिर आप मुझे वालादिमिर लेनिन का रूलिंग टाइम पीरियड बताओ वालादी लेनिन का रूलिंग टाइम पीरियड ठीक है ये कब पैदा हुआ था कब मरा था मुझे कोई लेना देना नहीं है मुझे बस बताओ कि कब से कब तक रूल किया बनाए है। हर्षित हर्ष ने आंसर दे दिया ऑलरेडी ठीक है बाकी लोग जरा आंसर दो तो बत, पता चले कि तुम लोगों को आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइए जरा फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए हिमांशु फन कह रहा है सर नाम ले लो हाँ हिमांशु 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 बस बताइए आंसर दीजिए चार्मिंग आर्ट का बिल्कुल गलत आंसर है अंजलि सुहाग तुमसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि तुम इतना गलत आंसर दोगी ऋतु पटेल का हेमल गर्ग का अजय राय का प्रकृति रिंकी करण आरती ललित सिंह अभिनव स्नेहा सुमन स्नेहा सुमन, सुमन और सोनम दोनों का आंसर 100% परसेंट सही है द मोस्ट लक्एस्ट गर्ल ऑन अंडर ट्वेंटी ने आंसर दिया चौबीस आंसर है तो यही लगा लेते हैं क्लियर एकदम हंड्रेड परसेंट आंसर क्या है यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर तो दिखाओ मुझे अपने गंदे गंदे से आंग उठे और बोलोगे सर एकदम क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर डंड नाडन पक्का अच्छा कल से कब मिलेंगे हम लोग कल से अपन उसी टाइम पे आठ बजे ही मिलेंगे ठीक है दस बजे क्यों क्या क्योंकि मैं पहुंच नहीं पाया था ठीक है स्टूडियो तक तो इस वजह से टाइम शिफ्ट करने पड़ गया फिर आठ बजे आपकी आदित्य भैया की क्लास होगी नौ <coughs> बजे फिर वो रीजनिंग वाली क्लास सोनू सर की होगी आपकी ठीक है और इसी वजह से फिर मैंने दस बजे आज क्लास ले ली थी लेकिन अपन कल से आठ बजे ही मिलेंगे क्लियर और सुबह आठ बजे करंट अफेयर्स याद रखना है उसको चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजन दोबारा से द मेकर्स ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्टी क्या ये स्टेटमेंट सही है मेरे हिसाब से 100% परसेंट राइट स्टेटमेंट है तो मैं इसको टिक लगा रहा हूं आपके हिसाब से क्या आप लोग बताएंगे रीजन द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वॉज अलाउड ये बोल रहा है कि सोवियत सिस्टम सुप्रीमसी प्राइमेसी देता था किसको को सुप्रेमेसी प्राइमेसी देता था पार्टी को ठीक है और ये दूसरी रीजन में ये बता रहा है कि द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी हर चीज कम्युनिस्ट पार्टी के इर्द गिर्द घूमती थी और कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई अपोजिशन अलाउड नहीं था क्या सही है क्या एसर्शन सही है सही है क्या रीजन सही है सही है क्या दोनों से दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं हाँ कर रहे हैं लिंक अगर लिंक करे तो ए लगा दो नहीं कर रहे तो बी लगा दो बताओ आंसर क्या होगा आई एम शिवम कह रहा है यस yes, सर अच्छा ये कौन है आंसर दे रही है A. ए ए का आंसर आ रहा है पलक उपाध्याय का आंसर ए आ रहा है आदित्य का आंसर ए आ रहा है तनिषा का ए आ रहा है ठीक है गिरीश का आंसर आ रहा है बुक वन का वन शॉट कल बुक वन का वन शॉट करवाने वाला हूं मैं कहां पर सीयूटी अड्डा आर ट्वेंटी फोर सेवन पर शाम को आठ बजे ठीक है तो वहां पर पहुंचना ठीक है और रोज शाम को अपन सात बजे मिलते हैं ह्यूमैनिटीज अड्डा पर रोज सुबह आठ बजे मिलते हैं अपन ह्यूमैनिटीज अड्डा पर करंट अफेयर्स के लिए है ना चलो ए आंसर आ रहा है हंड्रेड परसेंट राइट आंसर आप लोगों का कि बोथ ए ए एंड एंड आर 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 करेक्ट करेक्ट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन हलवा जैसा लग रहा है क्या पक्का ठीक है ऐसे ही सॉल्व करना है ठीक है एसे रीजन में बिकॉज एंड ठीक है सर ये होना चाहिए था वो होना चाहिए था कुछ नहीं होना चाहिए था जो दिया है वही होना चाहिए था ठीक है अब उस क्वेश्चन के हिसाब से बताओ कि आंसर सही है या गलत है क्लियर आदित्य का बिल्कुल सही आंसर है ये कौन है दुरुबा। अच्छा, ठीक है। क्यूटी सर यू आर माई क्रश यस यू आर ऑल्सो माई क्रश थैंक यू सो मच चलो आगे आते Question number four. ऐसा क्रश कर दूंगा ना ठीक है क्वेश्चन नंबर ईस्टर्न ब्लॉक टूगेदर दू एस एस आर वॉज द लीडर ऑफ द ब्लॉक चलो ये बोल रहा है कि ईस्टर्न अलायंस जो है उसका नाम बताओ ईस्टर्न अलायंस का नाम पूछ रहा है और बताओ आंसर क्या रहने वाला है सर आप मुझे भूल गए कौन था ये फटाफट फटाफट सको भारतीय गिरी सर आप करवा रहे हो इसलिए इजी लग रहा है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं अरे ये रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है रीता 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 है जिंदा आदमी खड़ा है तेरे सामने तुझे लग रहा है रिकॉर्डेड वीडियो क्या हो गया थोड़ा सा ढीला हाँ आंसर आ रहा है कि सर सर वॉरसो पैक्ट आंसर है वॉरसो पैक्ट आंसर है हंड्रेड राइट आंसर है वार्सो पैट का ईयर बताओ नेटो का ईयर बताओ सीटो का ईयर बताओ और सीटो की फुल फॉर्म भी बताओ सेंटो का ईयर बताओ जल्दी जल्दी से फिर मुझे बताओ कि सेंटो कौन से पैक से बनाए फटाफट फटाफट से बताओ सेंटो कौन से पैक से बनाए मुझे बताओ नेटो तो कौन से डॉक्टर से बना है जल्दी जल्दी से आंसर दो कौन से डॉक्टराइन से बनाएं मुझे बताओ कि वॉर्सो कहां पर है वेयर इज वॉर्सो वॉर्सो कहां पर है बताओ ठीक है फिर मुझे बताओ कि सीटो को ज्वाइन करने वाली फर्स्ट टू कंट्रीज फर्स्ट टू कंट्रीज हु ज्वाइन सीटो फटाफट फटाफट से इन सब के आंसर दो बिना रुके आंसर आना चाहिए सर आप मुझे भूल गए मोहिनी सर की मोहिनी मोहिनी तुझे कैसे भूल सकता हूं मैं ठीक है लेकिन तुझे काम बोला था वो तूने तो करा नहीं है हां ना ठीक है चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया है कि सर बी आंसर लगा दो

क्लियर पक्की बात चलो आगे आते हैं सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब बनाए 1955 में ठीक है कौन सा पैक्ट बोला जाता है इसको बगदाद पैक्ट बोला जाता है हा की ना क्लियर पक्की बात है 100% सही है यहां तक सारी की सारी चीजें क्लियर है तो जरा फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलोगे सर एकदम क्लियर है कोनो दिक्कत वाली बात हैच नहीं सर डंडा ना डने एक टू काउंटर मैटो एक्जैक्ट यार तुम तो एकदम चुम्बेश्वरी आंसर दे रहे हो है ना कि वॉर्सो पैक्ट क्यों बनाया गया था वॉर्सो पैक्ट बनाया गया था टू काउंटर नेटो टू काउंटर नेटो एंड एंड टू स्टॉप द इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिज्म ऑफ कैपिटलिज्म इन द ईस्टर्न वर्ल्ड क्लियर है क्या ठीक है इसी के साथ साथ एक बार मुझे ना आप लोग कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड लिखकर बताओ फटाफट फटाफट से कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड लिखकर बताओ कि कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या है और कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में दुनिया कैसी थी क्या मल्टीपोलर वर्ल्ड थी क्या यूनिपोलर वर्ल्ड थी क्या बाईपोलर वर्ल्ड थी जरा फटाफट फटाफट से लिखकर बताओ और यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे -गं और बोलो कि हाँ से समझ में आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मोनिका के लिए सर एक बात सुनो मेरी हा सुना डन डना डन सर उस क्वेश्चन में गलत से टाइपिंग एरर हुआ था देख अंजलि सुहाग बहाने बद बना मेरे सामने ठीक है आंसर गलत है तो गलत है ठीक है अगर वहां पर टिक कर दिया अच्छा एक और चीज़ सी का जो एग्जाम पॉलिटिकल साइंस का होने वाला है वो होने वाला है ऑफलाइन और ऑफलाइन एग्जाम ज़्यादा मुश्किल है एज कंपेयर टू ऑनलाइन क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा क्योंकि ऑनलाइन में तो तुम्हें क्या दिख रहा है ऑप्शन दिख रहे हैं तुमने उस पर क्लिक कर दिया वही आंसर है समझ में आई नहीं ऑफलाइन में ऑफलाइन में क्या गड़बड़ होती है ऑफलाइन में तुम्हारे पास आती है ओ एम शीट ओ शीट में लिखा होगा पहला क्वेश्चन ठीक है और गोले चार गोले बनाए होंगे दूसरा क्वेश्चन चार गोले बनाए होंगे तीसरा हाँ क्वेश्चन चार गोले बनाए होंगे आगे ना तुम्हें मान लो पहला क्वेश्चन आता है पहला तुमने टिक कर दिया कि ए आंसर है दूसरा क्वेश्चन तुमने छोड़ दिया तीसरा तीसरा तुम्हें आता है तीसरे वाला तुम्हें क्या करना है आंसर देना है लेकिन तुमने तीसरे का आंसर यहाँ भर दिया हो गई गड़बड़ यही चीज नहीं करनी है अपने को यही चीज अपने को नहीं करनी है अरे बोलो बोलो क्लियर है क्या पक्की बात है क्या हंड्रेड परसेंट क्या ठीक है चले सर एक्सेप्ट कर लो मेरा प्रपोजल वरना नस काट लेनी है मैंने देखो हाथ की तो काटना मत क्यों बच जाओगी ठीक ठीक है हलाल है <laughs> चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर डैश ओनरशिप वाज डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप इन यूएसएसआर जल्दी जल्दी से बताओ यूएसएसआर में किस टाइप की ओनरशिप थी ऑप्शन है हमारे पास स्टेट ओनरशिप नेशनल ओनरशिप कंपनी ओनरशिप या प्राइवेट ओनरशिप मुझे बताओ यूएसएसआर में क्या अन था क्या अनएंप्लॉयमेंट था यूएसएसआर में मुझे बताओ कि क्या यूएसएसआर में बहुत खतरनाक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं मुझे बताओ कि क्या यूएसएसआर यूएसएसआर में किस टाइप की इकोनॉमी थी किस टाइप की इकोनॉमी ठीक है मुझे बताओ कि यूएसएसआर आर्म्स रेस में आर्म्स रेस में क्या यूएसएस यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बराबरी करता था या नहीं करता था आप लोग बताओगे मैं कुछ नहीं बताऊंगा ठीक है मुझे बताओ कि इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी थी या यूएसएसआर की ज्यादा थी आप लोग बताओगे मैं नहीं बताऊंगा मुझे बताओ टेक्नोलॉजी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी अच्छी थी या यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी अच्छी थी ठीक है फटाफट 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 से आंसर दो और बताओ कि आंसर क्या रहने वाला है जल्दी जल्दी से हा चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बड़ा खतरनाक खतरनाक आंसर दे रहे हो यार तुम लोग तो चलो सबसे पहली चीज डॉमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप यूएसएसआर में स्टेट ओनरशिप ठीक है दूसरी चीज अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर नहीं थी नो अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है इकोनॉमी की अगर बात करें तो यूएसएसआर में क्लोज इकोनॉमी थी मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह ये लोग नहीं करते थे आम सरेस की बात करें तो आम सरेस में यूएसए और यूएसएसआर दोनों बराबरी में चलते थे अगर हम लोग बात करें इकोनॉमी की तो इकोनॉमी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इकोनॉमी यूएसएसआर से ज्यादा थी और यूएसएसआर की इकोनॉमी बाकी पूरी दुनिया से ज्यादा थी ठीक है कहाँ गया अभी ठीक है आगे आते हैं आगे क्या बता रहा है टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजी में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टेक्नोलॉजी यूएसएसआर से ज्यादा थी यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है तो फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो क्या सर समझ में आ गया है कोई दिक्कत वाली बात है नहीं सर क्लियर सर आप कहो तो मैं मर जाऊं नहीं यार मरो मत मोहिनी सर की मोहिनी सर मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो अच्छा जिज्ञासा की बात सुन लो सर कहां है जिज्ञासा ठीक है सर ओ में क्वेश्चन हो रहे हैं क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब ओ एम आर शीट तुम्हें मिलेगी क्वेश्चन पेपर तुम्हारे पास आएगा और वही आंसर देना है एक फायदा भी है इसका ऑफलाइन पेपर होने का कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं लगेगा है ना जितने तुम्हारे मार्क्स है उतने ही मार्क्स मिलेंगे तुम्हें तो फायदा भी है ऐसा नहीं कि फायदा नहीं है क्लियर है पक्की बात है सर एक बार अच्छे से पोज दे दो फोटो लेना था <laughs> ला 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 ला। चले आगे चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत दिया है आप लोगों को गलत है थोड़ा वो ठीक है या फिर कुछ भी नहीं वन पार्टी सिस्टम रिप्रेजेंटेड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन ऑल इंस्टीट्यूशन एंड वॉज अन अकाउंटेबल टू द पीपल ठीक है बताइए फरावट फरावट से आंसर क्या है सर आप मेरे फेवरेट टीचर हो कौन है ये कौन बोल रहा था मुझे फेवरेट टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लोग जो मुझे फेवरेट टीचर बोलते हैं कहाँ गया कहाँ गया अरे दिख नहीं रहा यार चला गया ऊपर अब सॉरी आई वॉज नॉट एबल टू रीड योर मैसेज दोबारा लिख देना दोबारा पढ़ लूंगा ठीक है आसिफा के लिए सर कुछ नया ट्राई कीजिए कुछ नया ये ठीक है <laughs> ऐसे ही करते हो ना तुम लोग आजकल चलो आंसर दो हाँ, ट्रू आंसर आ रहा है कि सर ट्रू आंसर है बिल्कुल सही है अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए मुझे मुझे बताइए आप लोग कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन जो है इसका टाइट कंट्रोल होता था ठीक ठीक है है सब कुछ मुझे बताओ कि क्या में थी? क्या में थी? क्या यूएसएसआर यूएसएसआर में में डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी थी थी लोगों के डिजायर्स पूरे होते थे क्या लोगों के डिजायर्स पूरे होते थे ठीक है मुझे बताओ कि क्या यूएसएसआर का सिस्टम ब्यूरोक्रेटिक था ब्यूरो ब्यूरोक्रेटिक था क्या यूएसएसआर का सिस्टम थोरिटेरियन था फटाफट फटाफट से आंसर दो तो और बताओ कि आंसर क्या रहने वाला है जल्दी जल्दी से आंसर आना चाहिए हाँ सानिया के लिए थैंक यू सो मच सानिया ठीक है चलो आंसर दो आंसर दो अच्छा डेमोक्रेसी नहीं थी ओके सर चलो मान लिया डेमोक्रेसी नहीं है डिजायर्स लोग के डिजायर्स पूरे नहीं होते थे ब्यूरोक्रेटिक था हां ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो चुका था ब्यूरोक्रेटिक मतलब ऑफिसर्स की चलती थी किसकी चलती थी ऑफिसर्स की चलती थी यहां पर क्या अथॉरिटेरियन सिस्टम था हाँ अथॉरिटेरियन सिस्टम था मतलब लीडर्स की चलती थी समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है क्या यही वाला सेम सिस्टम आज हम लोग को देखने को मिल रहा है यही वाला सेम सिस्टम आज हमें नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है क्लियर पक्का 100%. यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई है तो जरा फटाफट 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 से बात नहीं है आप लोगों में से कोई भी अगर ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर और मेल करके बोलिए कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को जस्ट क्लास के बाद वहीं पर मिलने वाली सर आई एम साइंस स्टूडेंट एंड आई चोज पॉलिटिकल साइंस ओके सर यू आर माई फेवरेट टीचर ये कौन थी मिस चला गया ऊपर बड़ी तेजी से चैट जा रही है पढ़ने पर आओ वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना पढ़ूंगा एक एक का चैट है ना रिप्लाई भी दूंगा तुम्हें चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर एट पर रीजन देखते तुम लोग सॉल्व कर पाते हो क्या रशिया वॉज ओनली वन ऑफ द फिफ्टीन रिपब्लिक्स गेट टूगेदर कॉन्स्टिट्यूटेड द यूएसएसआर इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरी थिंग एंड पीपल फ्राम अदर रीजन फेल्ट निगलेक्टेड एंड ऑफन सप्रेस्ड ये बोल रहा है कि अगर देखने जाएं हम लोग तो पेपर पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो रशिया भी बाकी चौदह कंट्रीज़ की तरह ही है है ना पंद्रह कंट्रीज से मिलकर यूएसएसआर बनता था उसमें से एक रशिया लेकिन अगर असलियत में हम लोग देखें तो रशिया हर चीज़ को डोमिनेट करता था सर हर चीज़ को डोमिनेट करने का क्या मतलब है हर चीज़ को डोमिनेट करने का मतलब है कि, कि रशिया जो है रशिया जो है वो आ, सारे लीडर्स रशिया के होते थे सारे कमांडर्स रशिया के होते थे सारे ऑफिसर्स रशिया के होते थे मोस्टली ठीक है तो क्या ये सेंटेंस सही है क्या एसर्सन सही है क्या रीजन सही है क्या दोनों ट्रू है पहले तो ये देख लो कि क्या दोनों ट्रू है अगर दोनों ट्रू है फिर देखो क्या लिंक कर रहा है हाँ लिंक कर रहा है अगर लिंक कर रहा, कर रहा तो ए लगा दो नहीं लिंक कर रहा तो बी लगा दो आंसर बताओ ए आंसर आ रहा है आप सब लोगों का और हंड्रेड किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि आप लोगों का नंबर काटे ठीक आंसर क्या आएगा? ए आंसर आएगा अपने पास हंड्रेड परसेंट आंसर है क्वेश्चन नंबर एट का यहां तक क्लियर तो ज़रा दिखाओ मुझे लाइक भी करो सेशन को जल्दी जल्दी से क्यूटी थैंक यू सो मच चले आगे आराध्या ठीक है डन क्वेश्चन नंबर नाइन पे आतेशन रीजन फिर से ठीक है एसेशन रीजन के दो तीन क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं इस वैसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर नाइन देखो क्या इन द द आर्म्स रेस सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट अ ग्रेट कॉस्ट बोल रहा है कि 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 आर्म्स रेस में यानी यानी अटोरा बनाने में हथियार बनाने में यूएसए और यूएसएसआर दोनों बराबरी के थे यूएसएसआर को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बराबरी करने में बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन होता था ठीक है ये बोल रहा है पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस द सोवियत यूनियन लैक्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट एंड पार एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पायरेस ऑफ द सिटीजन अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है है ना इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एसरशन भी सही है इसका रीजन भी सही है इसका ठीक है लेकिन एसर्शन में ये बात कर रहा है आर्मसरेस की ठीक है और रीजन में ये कुछ और बातें कर रहा है लेकिन है दोनों सही एसर्शन भी सही है रीजन भी सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं हो रहे सर कैसे लिंक नहीं हो रहे देखो ना ऊपर बात कर रहा है ये आर्मस रेस की है ना इन द आंसर इज द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट अ ग्रेट कॉस्ट अगर ये इसका रीजन बताता है यहां पे हमें कि ग्रेट कॉस्ट क्या है ठीक है अगर ये बताता है कि इकोनॉमिक बर्डन हो रहा है है ना अपनी इकोनॉमी का बहुत बड़ा बहुत बड़ा अमाउंट इसको लगाना पड़ता है डिफेंस में यूएसए की बराबरी करने में तो आंसर ये आता ठीक है लेकिन यहां पर क्या है दोनों सेंटेंस सही है लेकिन दोनों एक दूसरे से लिंक नहीं कर रहा है इसलिए ये आंसर हमारे पास आएगा बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए समझ में आया क्या अरे मगज में आया क्या क्लियर है सब लोगों का आंसर बी आ रहा है कुछ कुछ बच्चों ने ए भी आंसर दिया था तो थोड़ा सा इन चीजों पे प्रैक्टिस करो बी नहीं आ, ए नहीं आएगा बी आंसर आएगा क्लियर डन मिस स्वाति थैंक यू सो मच स्वाति चले आगे क्वेश्चन नंबर टेन पे क्वेश्चन नंबर टेन लीडर ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन ऑफ

ठीक है आंसर आ रहा आएगी सर लेनिन 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 ठीक है ओके डन लेनिन आंसर है इसका 1917 से लेकर 1924 का टाइम पीरियड भी इसका ठीक है चलो बहुत बढ़िया अब मुझे बताओ कि जोसेफ स्टालिन को किन किन चीजों के लिए जाना जाता है यूएसएसआर में कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए ग्रेट टेरर के लिए प्राइवेट अरे प्राइवेटाइजेशन नहीं बाबा मुझे वो कम्युनिस्ट है वो वो प्राइवेटाइजेशन क्यों करवाएगा कॉमन सेंस है ये तो आगे ना ठीक है और बताओ बताओ रॉय गेमिंग कह रहा है कि सर आप मेरे पापा की तरह लग रहे हो और अपने पापा को मीठा बोल रहे हैं तुम्हारे पापा मीठे अच्छा 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 मुझे नहीं पता था ठीक है आंसर आ रहा है कि सर ग्रेट टेरर ऑफ नाइनटीन थर्टीज ग्रेट टेरर ऑफ नाइनटीन थर्टीज ठीक है जोसेफ स्टैलिन को जाना जाता है कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए किसके लिए कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए, लिए। ठीक है जोसेफ िन को जाना जाता है किसके लिए कंसोलिडेशन ऑफ यूएसएसआर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कंसोलिडेशन ऑफ यूएसएसआर कंसोलिडेशन ऑफ यूएसएसआर के लिए जाना जाता है क्लियर ठीक है जोसेफ को जाना जाता है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए और आप में से एक भी बंदे ने यह आंसर नहीं दिया ठीक है तुलसी ने अब लिखा है लेकिन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ठीक है चौथे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा जोसेफ स्टालिन, कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कंसोलिडेशन ऑफ यूएसएसआर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और इसको जो भी बंदा इसका अपोज करता चाहे वो कोई आम आदमी हो चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का ही बंदा हो सबको जान से मारकर सबको जान से मारता था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जोसेफ स्टालिन को जाना जाता है फॉर विक्ट्री यूएसएसआर विक्ट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर समझ में आया क्या अरे मगज में आया क्या ठीक है अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज बताओ मुझे मुझे बताओ कि इस जोसेफ स्टैलिन ने हराया किसको था जोसेफ स्टैलिन ने किसको हराया था ठीक है ही डिफीटेड हुम जल्दी जल्दी बताओ किसको डिफीट किया था इसने वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर टू में और मुझे बताओ कि कौन सी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे यूएसएसआर का झंडा लगा दिया गया था कौन सी पार्लियामेंट बिल्डिंग पे यूएसएसआर का झंडा लगा दिया गया था फटाफट फटाफट से हिटलर को हिटलर को और हिटलर कहा का राजा था या कहा का लीडर था जर्मनी का कहा का जर्मनी का हिटलर को हराया हिटलर इसके बाद सुसाइड कर लेगा जर्मनी के जर्मनी का कैपिटल क्या बर्लिन बर्लिन के बर्लिन में घुस जाएगा कौन यूएसएसआर के आर्मी इसकी जो आर्मी थी जोसेफ स्टैलिन की उसके आर्मी का नाम बताओ जरा फटाफट फटाफट से और जर्मनी की सॉरी जोसेफ स्टैलिन की आर्मी घुस जाएगी बर्लिन में बर्लिन में चली जाएगी पार्लियामेंट में किसके पार्लियामेंट में चली जाएगी किसके पार्लियामेंट में चली जाएगी <stahashi> चली जाएगी जर्मनी के पार्लियामेंट में जर्मनी के पार्लियामेंट का नाम क्या था रीश स्टैक और रीश स्टैक के ऊपर जाकर यूएसएसआर का झंडा लहरा देंगे ये लोग ठीक है यूएसएसआर का झंडा लहरा देंगे अच्छा मुझे एक और चीज बताइए मुझे बताइए कि आइलैंड 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 पे पे पहले तो बताओ कि आइलैंड कौन से कंट्री का आइलैंड है सबसे पहला क्वेश्चन जी, आइलैंड कौन से कंट्री का आइलैंड है फिर मुझे बताओ कि यूएस यूएसमा आइलैंड पे कौन सी कंट्री अपना झंडा गाड़ती है फटाफट फटाफट से आंसर दो और आप लोगों ने ये बिल्कुल सही आंसर दिया कि जोसेफ स्टैलिन की आर्मी को अपन रेड आर्मी कहते थे क्या कहते थे रेड क्लियर पक्का हंड्रेड परसेंट हाँ जापान हंड्रेड परसेंट राइट आंसर है जो है जापान का है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने फेब्रुवरी फेब्रुवरी ना लेना एक बार चेक कर लेना है ना मेरे जहां तक मेरा जहन जा रहा है क्या होता है यू आइलैंड के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना झंडा गाड़ता है और यहां पर जापान भी सरेंडर कर देता है यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई है तो जरा फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ से समझ में आ गया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर इतना डीप तो बुक में भी नहीं है तुमने बुक ढंग से पढ़ी नहीं है इसलिए लग रहा तुम्हें ठीक है इससे भी ज्यादा डीप है बुक में जो बुक में है उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ सर आपने क्या एडवांटेज बताया था ऑफलाइन का ऑफलाइन का एडवांटेज यह है कि सबका एक जैसा पेपर होगा तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं लगेगा नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस में क्या होता था पहले सबके पेपर अलग अलग आते थे है ना सबके अलग अलग दिन होते थे ठीक है किसी का मुश्किल पेपर आता था किसी का इजी पेपर आता था तो उसके बेसिस पे एवरेज करके मार्क्स मिलते थे तुम्हें ठीक है लेकिन अब जितने तुम्हारे मार्क्स आएंगे उतने ही मिलेंगे तुम्हें एवरेज नहीं होगा क्लियर है चले आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हु बिगैन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चलो बहुत ईजी क्वेश्चन है अब करके आया अपन हु बिगेन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किसने करवाया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑप्शन है हमारे पास जोसेफ स्टालिन लेनिन निकिता स्टाली या मिकाइल है अच्छा एक और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन मुझे बताओ कि इनमें से कौन वो बंदा है जिसने पीसफुल पीसफुल को एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस विद द वेस्ट की बात करी थी पीसफुल को एक्स्टेंस विद द वेस्ट की बात कर रही थी फटाफट फटाफट से जल्दी जल्दी आंसर दो देखते हैं आप लोग आंसर दे पाते हो क्या हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही है कि जोसेफ स्टालिन वो बंदा है जिसने क्या करा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और फोर्सिबल कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करवाया था मुझे बताइए कि पीसफुल को एक्टेंस विद द वेस्ट के बारे में कौन बात करता है हाँ निकिता खुरुशे एग्जैक्टली exactly, निष्ठा कटारिया का बिल्कुल सही आंसर है और कौन है भूमि का आंसर बिल्कुल सही है द्विवेदी का बिल्कुल आंसर सही है है ना क्या आंसर आएगा पीसफुल को विद द वेस्ट

ठीक है मतलब स्टैलिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप खत्म कर रहा हूं मैं स्टैलिन जिस तरीके से रूल करता था उस तरीके से मैं रूल नहीं करूंगा स्टैलिन के बाद ही आया था ठीक है स्टैलिन स्टाइल ऑफ लीडरशिप वॉज डिनाउंसड बाय हिम वॉज डिनाउंस्ड बाय हिम क्लियर बोलो हागी ना अच्छा और क्या था इसके बारे में 1956 यूएसएसआर अटैक करता है एक कंट्री पे जल्दी बताओ कौन सी कंट्री पे अटैक करता है यूएसएसआर इसी के टाइम पीरियड में हाँ ये बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का ईयर भी बता दोगे ना मजा ही आ जाएगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का अगर तुम लोग ईयर बता दोगे आए हाय मजा बताओ ठीक है आलू का पराठा का बिल्कुल सही आंसर है दिव्यदी मनीषा का यावी का, का भानु का सृष्टि का तुलसी का रिया अहमद का Uh, जायदी का सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है कि सर 1956 यूएसएसआर ने अटैक करा था हंगरी पे है ना पेपर में दो तरीके से क्वेश्चन आता है पेपर में या तो ये क्वेश्चन आएगा कि 1956 में यूएसएसआर ने कौन से कंट्री पे अटैक करा था या फिर ये क्वेश्चन आएगा कि 1956 में यूएसएसआर ने कहा कि रिबेलियन को सप्रेस किया था इन नाइनटीन यूएसएसआर सप्रेस्ड अ रिबेलियन इन विच कंट्री तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है कहां पे अटैक किया था तो 1956 हंगरी है बस हंगरी के अलावा कुछ भी नहीं है और इसके अलावा कुछ हमारे किताब में मैंशन भी नहीं है क्लियर है पक्की बात है हाँ ये भी बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 1962 इसी बात मुझे बताओ कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के टाइम पीरियड में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का लीडर कौन था और मुझे बताओ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साथ क्या क्यूबा का लीडर कौन था फटाफट 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 से आंसर आना चाहिए बिना रो के आंसर आना चाहिए बताइए आंसर क्या रहने वाला हाँ अननने के लिए इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स इन 1955 नहीं बाबा 1955 गलत है लेकर आया ठीक है ठीक हर्षित है? हर्ष का सबसे पहले आंसर कि सर, 100 राइट है। का लीडर, था ठीक है और इसका लीडर कौन है क्यूबा का क्यूबा का लीडर फीडल कैस्ट्रो किसने बताया गगन सिसोडिया ने बताया फीडल फीडल कैस्ट्रो ठीक है अच्छा मुझे बताओ कि फीडल कैस्ट्रो से पहले

पलक 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 उपाध्याय ने सबसे पहले आंसर दिया है अंकिता साहू का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भूमिका का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है शाहजहां का बिल्कुल सही आंसर है लाइफ विथ का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है बटिस्टा 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 है ना वंश का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है किसर बटिस्टा कौन बटिस्टा क्लियर छे

निकिता खुरुशेव, 1953 से लेकर 1964 और इसके बाद का टाइम पीरियड 1985 से लेकर 1991 का है 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 ठीक है? लियोनिट आता है बीच में लियोनिट का टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा from 1964 थर्टीन पे आते हैं मस्त क्वेश्चन है एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में किसने बताया था जोसेफ लेनिन निकिता खुरशेफ या फिर या फिर मिकाइल गोरबाचेव जल्दी जल्दी से आंसर दीजिए एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में किसने बताया था ठीक है जोसेफ स्टालिन ने वरादिम लेनिन ने निकिता खुरुशेब ने या मिकाइल गोरबाचेव ने ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर ओ एम आर से डर लगता है अंजलि भार्गव के लिए कोई बात नहीं मैं सेशन ले आऊंगा एक उसमें मैं समझा दूंगा कि ओ एम आर शीट को कैसे फिल करना है है ना क्या अपनी टैक्टिक्स रहनी चाहिए ठीक है और सिर्फ तुम तो फिर भी ट्वेल्थ वाले हो यूपीएससी वाले भी गलत करके आते हैं यूपीएससी वाले भी प्रीलिम्स में उनको भी ओएमआर शीट प्रोवाइड कर दी जाती है वो भी गलत करके आते हैं ठीक है फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए आंसर आ रहा है बहुत सारे लोगों का कि सर सी है है आंसर आंसर लियोनिड भी आंसर आ रहा हाय है। है, निकिता खुरुशे भी आंसर आ रहा है जिस जिसने आंसर दिया है क्या जिस जिसने आंसर दिया है क्या सी आंसर है सी आंसर है, है सबका आंसर गलत है इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है ठीक है आंसर आएगा हमारे पास लियोनिड ब्रजनेव क्या आएगा आंसर टाइम पीरियडी टू ठीक है फटाफट फटाफट से बताओ इसने बताया था क्या एशियन कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में टाइम अच्छा, पीरियड में क्या क्या चीजें हुई है आप लोग बताओगे ठीक है एक दो चीजें बता देता हूँ क्या नाइनटीन सिक्सटी एट में चेको स्लवाकिया में अब स्पेलिंग देख लेना चेको की चेको स्लोवाकिया में क्या हुआ था एक रिबेलियन हुआ था उसको सप्रेस कर दिया गया था ओके सर इसके टाइम पीरियड में 1969 में यूएसएसआर और चाइना की लड़ाई हुई थी यूएसएसआर और चाइना की वॉर हुई थी। वॉर। वॉर ब्रीफ टेरिटरी। अच्छा। इसके टाइम पीरियड में में इंडिया और यूएसएसआर के बीच में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी हुई है ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप भी हुई है ओके सर और बताइए 1978 में ये सेम ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप सेम ट्रीटी, अफगानिस्तान और यूएसएसआर के बीच में भी हुई है और 1979 में 1979 में इसी के टाइम पीरियड में अफगानिस्तान और यूएसएसआर का वॉर भी स्टार्ट हुआ है समझ में आया क्या अरे मगज में आया क्या अरे क्लियर है क्या सर आरू हियर हाय आरू हाँ आर यू आरू वो है ना प्रमोद जांगड़ा के नाम से क्यों आ रही है तू आरू आरती नाम है ना तुम्हारा ठीक है सर करंट अफेयर्स कब से कंटिन्यू होगा क्राउन प्रिंस कल सुबह आठ बजे से करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे रॉय गेमिंग सॉरी सर सौरी सर सॉरी क्या हो गया बाबा क्या हो गया क्लियर है यहां तक यहां तक सार की सारी सारी चीजें क्लियर तो जरा दिखाओ मुझे अपने अंगूठे और बोलो कि हाँ सर क्लियर है एकदम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्रभाकर वर्मा कह रहा है ताशकंद एग्रीमेंट हाँ अपन लिख सकते हैं इसमें ताशकंद एग्रीमेंट भी लिखना है तो लेकिन ताशकंद एग्रीमेंट में इसका रोल नहीं है क्योंकि ये नहीं है है ना तो अपन इंडियन पॉलिटिक्स में ही पढ़ेंगे इसमें छोड़ देते हैं सर सुनो कौन है धनिष्ठा जी बताइए बताइए ठीक है आप लोगों में से कोई अगर मेरे साथ अभी तक टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं है तो मुझे मेल करना कहां पर मेल करोगे खान डॉट एट द रेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर और मेल करके बोलना सर टेलीग्राम ग्रुप में एड कर दो मैं टेलीग्राम ग्रुप में एड कर दूंगा सारी की सारी पीडीएफ आप लोगों को वहीं पर मिलने वाली है ठीक है क्लियर चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे आते हैं वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया रशिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था इनमें से फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए जोसफ स्टैलिन वाला निकिता खुर्शफ या बोरिसन फटक से आंसर दीजिए और बताइए जी क्या करिए स्माइल प्लीज चलिए दीजिए आंसर सर एयर कंडीशनिंग इज ऑफ स्वेटिंग हाँ रात को आठ बजे के बाद ये मेरे पापा है ठीक है सब लोग हेलो बोलो मेरे पापा को फटाफट फटावट से मोइन सर मेरे भाई है नूर हुसैन है बे मुसलमान देख भजन बोल रही ठीक है मान लिया ठीक है आंसर आ रहा है कि सर डी आंसर है डी आंसर है डी आंसर है फटाफट फटाफट से सब सबका आंसर आ रहा है कि सर यस डी आंसर बिल्कुल हंड्रेड परसेंट राइट है बॉरिस येल्सिन बॉरिस येल्सिन का अगर टाइम पीरियड आप लोग बता दो एकदम मजा आ जाएगा एकदम मजा ठीक है फटाफट फटाफट से आंसर दो मुझे बताओ टाइम पीरियड बॉरिस येल्सिन का टाइम पीरियड बताओ और मुझे बताओ कि बॉरिस येल्सिन को कहाँ का मेयर बना दिया गया था बॉरिस येल्सिन को कहाँ का मेयर बना दिया गया था फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए बताइए आंसर क्या है बोलो 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 हां सुरप्रीत कौर का आंसर आ गया सर 1991 से लेकर 1999 लगा दीजिए सर 100 परसेंट सुरप्रीत कौर इस बार लेकर आने वाली है 100 परसेंट किसी भी हालत में ठीक है मुझे भरोसा है इस लड़की पे बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रही है पानीपत के रहने वाली है और मजेदार 1991 से लेकर नाइनटीन नाइनटी नाइन बॉरिशेल्सिन ही बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ रशिया इसी बात पर मुझे बताओ कि रशिया इंडिपेंडेंट कब हुआ रशिया इंडिपेंडेंट कब हुआ यूएसएसआर से फटक से आंसर आना चाहिए बिना रुके आंसर आना चाहिए मेयर कहां का बनाया गया था मॉस्को का मेयर बनाया गया था हंड्रेड परसेंट राइट है आप लोगों का लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन बोरिस को मॉस्को का मेयर कब बनाया गया था इन विच इता मॉस्को हंड्रेड परसेंट राइट हंड्रेड परसेंट राइट ठीक है गगन सिसोडिया जून 1990 बता रहा है सर रशिया इंडिपेंडेंट हुआ जून 1990 में और रशिया में पहला इलेक्शन कब हुआ फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन इन रशिया तो फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ रशिया में कब जून 1991 अगले ही साल और बोरिस एल्सिन बन गया क्या बोरिस एल्सिन बन गया क्या प्रेसिडेंट समझ में आया कि नहीं आया क्लियर है क्या पक्की बात है क्या हाँ एग्जैक्टली exactly. बोरिस एल्सिन मेयर कब बना था तो बोरिस एल्सिन मॉस्को का मेयर बना था इन विच ईयर इन नाइनटीन अगर वो भी पूछे ये कि सर मंथ भी बता दो तो मार्च 1985 मार्च याद रखने की जरूरत नहीं है नाइन एटी फाइव इसका आंसर है यहां तक सारी की सारी चीजें अगर क्लियर है तो जरा फटाफट 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 से दिखाओ मुझे अपने कंधे कंधे से अंगूठे और बोलो कि बोले सर एकदम क्लियर है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर कल फिर से रिवाइज करवाओगे ना ये सब ना 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 कल अगला चैप्टर करेंगे सर जामिया में सुनो ना सर मुझे एक बात बता दो हाँ मिस स्वाति सिंह बताओ बताओ बताओ

दोनों रिफॉर्म्स के बारे में बताओ जरा फटाफट फटाफट से कि ये दो रिफॉर्म्स के नाम क्या, क्या जल्दी जल्दी से से फटक आंसर दीजिए सर ऑफलाइन भी पढ़ाते हो नहीं नहीं मिस स्वाति ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो, और अगर आप लोगों को अपने कंसेप्ट ऐसे ही तगड़े करने हैं जैसे जैसे बाकी बच्चों के हैं ये जैसे मेरे हैं कंसेप्ट ठीक है अगर आप लोगों को इतने ही स्ट्रॉग कंसेप्ट करने तो मेरा एक छोटा सा बैच आया है पॉलिटिकल साइंस का जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कैप्सूल कहते हैं क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस का कैप्सूल कैप्सूल आप लोगों को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ सेवन नाइनटी नाइन रुपीज में ठीक है सेवन नाइनटी नाइन रुपीज में मैं सारी की सारी तैयारी करवाने वाला हूं आप लोगों की तो अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े मेरे साथ तो आप लोग मुझसे जुड़िए क्लास के बाद लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो इसमें हाँ पेरिस्ट्रॉयका और ग्लैस नॉस्ट बिल्कुल सही है आप लोगों का इस पेरिस्ट्रॉय का पेरिस्ट्रॉयका और ग्लैसनोस्ट ग्लैस नॉस्ट ठीक है याद रखना पेरिस्ट्रॉयका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लैसनोस्ट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स है कौन सा रिफॉर्म पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। ठीक है एक और चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्या कि पेरिस्ट्रॉयका अपन कहते हैं किसको रीस्ट्रक्चरिंग को रीस्ट्रक्चरिंग को और ग्लैसनोस्ट अपन कहते हैं ओपननेस को समझ में आया क्या अरे मगज में आया क्या क्लियर है क्या पक्की बात है क्या हंड्रेड परसेंट सही है क्या यहां तक सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई है तो जरा दिखाओ मुझे अपने कंधे कंधे गंद अंगूठे और बोलो कि हाँ सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं डन सर सीयूटी में मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे क्या एक आधा आ जाता है बाई चांस लेकिन सीयूटी में पचास क्वेश्चन आते हैं अपने को चालीस करने हैं मैप बेस्ड छोड़ दो तुम कोई दिक्कत नहीं है सर कैप्सूल बैच में हिंदी मीडियम में करवाएंगे क्या नहीं हिंदी मीडियम में नहीं करवाएंगे मतलब लिखा हुआ सारा कुछ इंग्लिश में ही मिलेगा समझाऊंगा मैं हिंदी में ऑफकोर्स रहा है कि सर पॉलिटिकल थी थी आपने मेरी गलती थी वो ठीक है अब मैं ही बता रहा हूं कि डन चले आगे चलो आ जाते नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन कूप टूक प्लेस इन डैश दैट वॉज एनकरेज कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स कूप करते हैं किसके क्या में कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स कूप करते हैं मिकायल गौरबा जीव के आ गया इसमें क्वेश्चन है कि कौन से ईयर में और क्वेश्चन आप लोगों से एक और है कौन से मंथ में फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए क्या आंसर फटाफट फटाफट से रॉय गेमिंग अच्छा कोई बात नहीं ठीक है चलता है सर पीडीएफ हिंदी मीडियम में मिलेगी नहीं नहीं पी हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगी इंग्लिश में ही मिलेगी आपको ठीक है लेकिन आप लोग क्या कर सकते हो पीडीएफ जो मैं आप लोग प्रोवाइड करूंगा ना इसको सेलेक्ट कर लो सिलेक्ट करके कर गूगल पे चले जाओ और गूगल पे जाकर ट्रांसलेट कर लो इसको हिंदी में ठीक हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगी मेरे पास इतना टाइम नहीं है वरना मैं खुद ही करता ऑगस्ट 1991 पलक उपाध्याय ने आंसर दिया है। प्रकृति मोना ने आंसर दिया संजना ने आंसर दिया है। तुलसी ने भारती ने स्वाति ने शिवम ने सुरप्रीत ने सब लोगों ने आंसर दिया है कि सर 1991 अगस्त 1991 में कूप होता है मुझे बताओ मुझे बताओ कि इस कूप को अपोज किसने किया था हु दिस कूप जल्दी जल्दी से बताइए हु अपोज दिस कूप फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए आंसर क्या है सर रिवाइज करना है तो कौन से प्लेलिस्ट देखिए आपके अगर तुम्हें सचमुच में रिवाइज करना है और शॉर्ट रिवीजन फटाफट फटाफट से करना है तो मेरी रीस्टार्ट वाली सीरीज देखो रीस्टार्ट वाली सीरीज लेकिन अगर आप लोगों को आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने अगर आप लोगों को हंड्रेड परसेंट टाइल लाने पॉलिटिकल साइंस में अगर और, और अगर आप लोगों को हंड्रेड परसेंट टाइल के साथ साथ आप लोगों को डिलीटेड चैप्टर्स पढ़ने हैं एडिशनल टॉपिक्स पढ़ने हैं तो आप लोग मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के कैप्सूल में जरूर जुड़ना मैं बताऊँगा लास्ट में किस तरीके से लेनी है है ना उसके उसकी तरीके से सर कार्टून एक आधा आ जाता है कार्टून मैप एक एक आ जाते हैं ठीक है उससे ज्यादा नहीं आएगा आंसर आ रहा है कि सर बोरिस येल्सिन हंड्रेड परसेंट रेट है आप लोगों का कि बोरिस येल्सिन बोरिस येल्सिन हीरो बन जाएगा इस कूप को अपोज करने में क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हु इमर्ज एज अ नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस कूप अभी अभी आंसर दिया आप लोगों ने बोरिस येल्सिन आगे बढ़ते ज्यादा वेट नहीं करते इसमें एसरशन रीजन एस रीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखो जरा क्या बता रहा है द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन ठीक है ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज थी तुर्कमेनिस्तान उज्बेकिस्तान कजास्तान ताजिकिस्तान किर्गिस्तान ये जो पांच कंट्रीज है ये कह रही थी कि भैया हमें अभी भी यूएसएसआर के टूटने के बाद भी कह रही है कि हमें यूएसएसआर से अलग नहीं होना क्या सही बात है गलत बात है द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स डिड नॉट आस्क फॉर इंडिपेंडेंस एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन और उनको सोवियत फेडरेशन के साथ रहना dusra reason in december 1991 under the leadership of yeltsin russia ukraine and belarus three major republics of the ussr declared that the soviet union was disbanded the central asian republic did not ask for independence and wanted to remain with the soviet federation in december 1991 under the leadership of yeltsin russia ukraine and belarus three major republics of the ussr declared that the ussr that the soviet union was disbanded क्या सेंटेंस ए सही है हां ए सही है क्या बी सही है मतलब क्या रीजन सही है सही है क्या दोनों एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं लिंक कर रहे हैं क्या हाँ दोनों डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे ठीक है लिंक कर रहे हैं लेकिन डायरेक्टली लिंक नहीं कर रहे इसलिए अपन इसका आंसर ए नहीं देंगे बल्कि इसका आंसर अपन नहीं देंगे क्या बी बोथ ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्लियर क्लियर अच्छा

ट्वेंटी पर और मेल करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा सारे सारी पी डी एफ वहाँ पर मिल जाएगी आप लोगों को बाई चांस अगर आप लोगों को मेल करना नहीं आता आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर क्या कर सकते हो मैसेज कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज करके बोलिए सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दूंगा पीडीएफ आप लोगों को जस्ट क्लास के बाद मिलने वाली है क्लियर है हाँ सर अली हुसैन कह रहा है सर ए आंसर है इकरा के लिए आंसर है स्नेहा सुरप्रीत निष्ठा खुशी सबका आंसर आ रहा है ये कौन है पलक उपाध्याय दिव्या सरोहा अंकिता मुस्कान शिवम अली सबका सोनी का सबका आंसर आ रहा है शिवम ठीक है थैंक यू सो मच शिवम अंजलि भार्गव जिज्ञासा पलक चार्मिंग आर्ट अंजलि सुहाग फाइबर डीओ सबका आंसर आ रहा है कि सर सर मुझे एक बात बताओ कैसे पता आपको सर आपसे मोटिवेशन लेना है अच्छा ठीक है करंट अफेयर्स कल सुबह से कल सुबह आठ बजे से ठीक है स्नेहा सर यू आर माय फेवरेट टीचर थैंक यू सो मच अच्छा ध्यान सुनो ये क्या ऐसे भी सही है रीजन भी सही है और दोनों एक दूसरे से कनेक्ट भी कनेक्ट भी कर रहे हैं ऑर्डिनरी सिटीजन्स को वेस्ट के बारे में पता चल गया था वेस्ट के एडवांसमेंट्स के बारे में पता चल रहा था ठीक है और उन लोगों को इनइक्वालिटीज़ देखने को मिल रही थी उनके सिस्टम में और वेस्ट के सिस्टम में बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट ऑफ़ द फिफ्टीन सोवियत रिपब्लिक्स टू डिक्लेयर इट्स इंडिपेंडेंस सबसे पहली कंट्री जिसने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा सबसे पहली कंट्री जिसने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा और आप लोग मुझे ईयर भी बताओगे कि कौन से ईयर में और कौन से मंथ में इस कंट्री ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करा था फटाफट फटाफट आंसर दीजिए आदित्य सत्यपाल का आंसर आ रहा है कि सर ए आंसर है सर अबे चल गलत आंसर दे रही है पर सर एनसीआरटी में मंथ नहीं है है सी में मंथ भी है ठीक है सवाल यह है कि तुमने एनसीआरटी को छाना कितना है ठीक है आंसर आ रहा है राजश्री का भूमिका आदित्य का, का योगिना योगिना राधिया ये कौन है स्नेहा हर्षित शाइनिंग स्टार आलू का पराठा झलक झलक आ गई है क्या आज झलक बड़ी लेट आई है तो क्या बात है सनसेट आर्या व्लॉग्स का बी आंसर आ रहा है ठीक है निष्ठा दुबरा दुबरा जी ऑफिशियल ठीक है अस्कू सबका आंसर आ रहा है कि सर बी आंसर है बी आंसर है हंड्रेड परसेंट राइट है लिथुआनिया मार्च नाइनटीन नाइनटी लिथुआनिया क्या करती है अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करती है आप लोग मुझे एक सवाल का जवाब दोगे एक सिंपल सा सवाल लिथुआनिया सबसे पहले इंडिपेंडेंट हुई है लेकिन लिथुआनिया ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी सबसे पहले स्टार्ट किया था यूएसएसआर में मुझे बताइए बस इतना सा कि लिथुआनिया ने इंडिपेंडेंस मूवमेंट कौन सी ईयर में स्टार्ट करा था यूएसएसआर में फटक 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 से आंसर दीजिए और बताइए कि आंसर क्या है ठीक है जिसको भी डाउट वगैरह है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना मैं आप लोगों को बता दूंगा उसका आंसर क्या होगा ठीक है फटाफट फटाफट से आंसर दीजिए और बताइए आंसर क्या है जल्दी जल्दी से अनम रहमान मार्च नाइनटीन बिल्कुल सही है सॉरी सर गलत हो गया तुलसी तुलसी वार्श ने तो ये गलतियां मत कर दोनों तुलसी है ना तुलसी वार्श ने भी और तुलसी कौशिक भी गलतियां मत करो बाबा ठीक है जायदे कर आंसर आ रहा है, सर, 1988, 100 सर, राइट है कि 98 1988 मे, 1988 में में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया था अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ कि ये जो बाल्टिक कंट्रीज है पहले तो बताओ मुझे बाल्टिक कंट्रीज कौन सी कौन सी तीनों कंट्रीज का नाम बताओ मुझे बताओ कि ये बाल्टिक कंट्रीज यूनाइटेड नेशंस को कब ज्वाइन करती है और मुझे बताओ बाल्टिक कंट्रीज जो है ये नेटो को कब ज्वाइन करती फटा 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 फट है फटाफट फटाफट आंसर दो यही ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं ये किसमें सीवीटी में फटाफट फटाफट आंसर दो सिद्धू मूसे वाला ठीक है चलो आंसर हां स्नेहा का बिल्कुल सही आंसर है ठीक है ओमामा का बिल्कुल सही आंसर है पम्मी का बिल्कुल सही आंसर है धर्मेंद्र का बिल्कुल सही है मनीषा का बिल्कुल सही आंसर है गुड 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 ठीक है रुद्र प्रताप कह रहा है सर लिथुआनिया लातविया और एस्टोनिया को इकट्ठा अपन बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं क्योंकि ये बाल्टिक सी से कनेक्टेड है यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन करती है ये लोग uh, जायदे का आंसर आ रहा है सर नेटो को तो दो हजार में ज्वाइन करती है हंड्रेड राइट है कि नेटो को तो दो में ज्वाइन करती है और स्नेहा सुमन के लिए नेटो दो हजार ठीक है नंदिता का आंसर आ रहा है कि सर यूनाइटेड नेशन को ये लोग ज्वाइन करते हैं नाइनटीन में हंड्रेड राइट आंसर right है आप लोगों का यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आई तो है तो फटाफट 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 से दिखाऊं हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ध्यान लिख दू ठीक है रोज शाम को सेवन पी एम सेवन ह्यूमैनिटीज अड्डा पे इसी चैनल पर एमसी क्यूज वाली क्लास चलेगी क्लियर रोज शाम को रोज सुबह 8 ए एम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास चलेगी करंट अफेयर्स की क्लियर ओके सर ठीक है और कल सिर्फ कल की बात कर रहा हूं कल की कल सीयूटी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर कहाँ पर सी टी अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन पर बुक वन का कंप्लीट मैराथन लेकर आ रहा हूं कंप्लीट बुक वन करने वाले अपन ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये अगर आप लोगों को आपके कंसेप्ट एकदम ज्यादा स्ट्रॉग कर रहे हैं बहुत तगड़े स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं तो आप लोग मेरे साथ पॉलिटिकल साइंस के कैप्सूल में जुड़ सकते हैं और पॉलिटिकल साइंस के कैप्सूल में जुड़ने के लिए आप लोगों को एक कोड का इस्तेमाल करना है जो कि वाई सेवन ये मेरा अपना कोड है Y742 जो कि अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का उल्टा देखो अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन उल्टा करो 742 ठीक है बस वाई याद रखना इससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलने वाला है सर ये पॉलिटिकल साइंस का कैप्सूल कितने रुपये का है ये डिस, डिस्काउंट लगाकर आप लोगों को पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ सात सौ निन्यानवे रुपए का सेवन नाइनटी नाइन रुपीज ओनली समझ में आएगी ठीक है वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे आप लोग कि आज वाली क्लास कैसी लगी आप लोगों को अगर आप किसी को भी क्या लेना है ये वाला बैच लेना है तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो कहाँ पर मेल करोगे खान डॉट आई एट द रेट अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम पर और मेल करके बोलोगे सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड करो टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा और आप लोगों को ये कैप्सूल कैसे लेना है वह भी बता दूंगा प्लस अगर आप लोग ये नहीं कर सकते मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करो मोइन पठान ठीक है और मुझे बोलो कि सर टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर दो और बैच लेने के लिए भी इंस्टाग्राम पर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर खुद लेना चाहते हो बैच तो ये वाला कोड याद रख लो और खुद बैच लेने के लिए आपको क्या करना है आपको कुछ नहीं करना है आप लोग को जाना है सीधा सीधा -सि� अड्डा ट्वेंटी की वेबसाइट पर कहा जाना है यहां जाओ यहां जाकर लिखो अड्डा ट्वेंटी क्या लिखोगे अड्डा ट्वेंटी लिखो आई नई ट्वेंटी फोर सेवन जैसे लिखोगे वेबसाइट आ जाएगी वेबसाइट पे क्लिक करोगी ये वाला पेज खुल जाएगा ऑल कोर्सेस पे चले जाओ जैसे ऑल कोर्स पे जाओगे यू जी एंड पी एंट्रेंस एग्जाम दिखेगा इस पर क्लिक करो सी ऊटी यू जी का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करो सी टी आर्ट का ऑप्शन दिखेगा इस पर क्लिक करो अब ध्यान से सुनो इधर मैं क्या बता रहा बताऊँ आप लोगों को एक अपने पास ना प्रतिज्ञा टू पॉइंट ओ बच आया है आज से ही स्टार्ट हुआ है प्रतिज्ञा टू पॉइंट ओ बैच जिसको भी हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स लीगल स्टडीज करंट अफेयर्स के कॉन्ट्स रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है या फिर इनमें से कुछ सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है तो आप लोग प्रतिक्ञा टू पॉइंट ओ ले लो प्रतिया टू पॉइंट ओ के साथ आप लोगों को सिलेक्शन किट भी मिल रही है इसके साथ आप लोगों को बहुत सारी चीजें मिल रही है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ठीक है दूसरी चीज कंप्लीट रिवीजन हो रहा है इसमें कंप्लीट हर एक चीज पढ़ाई जाइए आप लोगों को सीयू के एग्जाम के लिए इसके ऊपर क्लिक करोगे जरा देखो कितने रुपए का बैच है तो ये वाला बैच जो है अपने को दिख रहा है कि ये वाला बैच क्या हो गया बोगा ये वाला बैच जो है कितने रुपए का तीन हजार पाँच सौ लेकिन अपन अपने पास है एक कोड क्या करेंगे अपन छ मंत्र जादू मंत्र करेंगे इधर जाएंगे और इसको बोलेंगे वाई सेवन फोर टू तो लगा जरा और अप्लाई करेंगे जैसे ही अप्लाई करेंगे छः सौ रुपये बच जाएंगे ये वाला बैच जिसमें हर एक चीज़ पढ़ाई जा रही है आप लोगों को वो मिलेगा टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन रुपीज़ का सिर्फ और सिर्फ लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है कि सर बाकी सब्जेक्ट्स आते हैं पॉलिटिकल साइंस में दो सौ में से दो सौ लाने आप लोगों को हंड्रेड परसेंटाइल लाने तो आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे हंड्रेड परसेंटाइल ड्राइव में और इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है आप लोगों को जाना है सी यू टी आर्ट्स पर सी यू टी आर्ट्स पर क्लिक करना है सी ओ टी आर्ट्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जाना है व्यू ऑल में और यहाँ पर जाके आप लोग पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों को यहाँ पर कैप्सूल दिखेगा हिस्ट्री का भी कैप्सूल है जोग्राफी का भी है इकोनॉमिक्स का भी है इंग्लिश इंग्लिश का भी नहीं है ठीक है तो कंप्यूटर साइंस का भी है ठीक है लेकिन अगर आप लोगों को क्या करना है अगर आप लोगों को कोई भी लेना है कोई भी है ना किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है खास करके अगर पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है कोई भी अगर आप लोग बैच ले रहे हो तो आप लोग वाई सेवन फोर टू का कोड इस्तेमाल करिए आपको सस्ते में पड़ेगा एक्साम्पल के तौर पर मैं प्रतिज्ञा बैच खोल रहा हूं ये वाला है ना पॉलिटिकल साइंस का कैप्सूल खोल रहा हूँ कितने रुपए का ये नौ सौ निन्यानवे रुपए का दिख, दिख रहा है हम लोगों को लेकिन अगर अपन इस पर बायनाओ पे जाए और यहां जाकर लिखे क्या वाई सेवन फोर टू और इस पर अप्लाई कर दे जैसे ही अप्लाई करेंगे एक सौ सत्तर रुपए अपने बच जाएंगे ये वाला बैच अपने को सिर्फ और सिर्फ आठ सौ तीस रुपए में मिल रहा है एट ट्वेंटी नाइन रुपीज में समझ में आया कि नहीं ठीक है डन हाँ जो मैराथन जिनके पास वो है आ, क्या नाम है महापैक है तो तुम लोगों को जरूरत नहीं है लेने की तुम्हारे पास ऑलरेडी एक्सेस है उस चीज़ का प्रतिज्ञा वन वाले और प्रतिज्ञा टू वालों का भी उनको भी ज़रूरत नहीं है अगर किसी को अलग से सिर्फ पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करनी है सिर्फ हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो आप लोग ये ले सकते हो सर फ़िज़िकल एजुकेशन का भी है क्या नहीं फिज़िकल एजुकेशन का नहीं है लेकिन फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज़ है अपने पास ठीक है तो फिजिकल एजुकेशन की मॉक टेस्ट वगैरह है अपने पास सी यू टी आर्ट्स में जाओ सी ऊी आर्ट्स में जाने के बाद अपने को यहाँ पर क्या दिखेगा क्या दिखेगा यहाँ पर कुछ तो है ई बुक्स नहीं टेस्ट सीरीज़ में होगा टेस्ट सीरीज़ में यहाँ टेस्ट सीरीज़ में आप लोग जाएंगे साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ है अपने पास ठीक है टेस्ट सीरीज़ तो सारी ही है साइकोलॉजी की है टीचिंग एप्टीट्यूड की है आ... और किस चीज़ की है फिजिकल एजुकेशन की तो फिजिकल एजुकेशन के मॉक टेस्ट है दस मॉक टेस्ट है और ये आप लोगों को कितने में मिल रहे है। ये आप लोगों को मिल रहा है चार सौ निन्यानवे दिखा रहा है ये लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ ज़रा सस्ता करता हूँ देखो जरा कैसे सस्ता करता हूँ बायरों पे जाता हूँ यहाँ पर जाके लिखता हूँ वाई सेवन फोर टू और अप्लाई करता हूँ जैसे अप्लाई करूंगा एटी फोर रुपीज़ बच जाएंगे चार सौ चौदह रुपये में आप लोगों को कि फिजिकल एजुकेशन की टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएगी ठीक है अच्छा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आज वाली क्लास कैसी लगी आप लोगों को कल सुबह आठ बजे मिलेंगे करंट अफेयर्स में ठीक है आशा करता हूँ आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों को दिखाइए मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार और ऐसे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर टॉपिक्स लेकर मैं मोइन पठान आप लोगों के सामने रोज बरोज बरोज आता रहूंगा सर शायरी सर शायरी सर शायरी 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 देखनी पड़ेगी यार अभी याद तो नहीं है ऐसा कुछ देखता हूँ एक आधी है तो मेरे पास शायरी यार मैं बोलता हूँ तुम्हें समझ में तो आती नहीं है फिर मैं सोचता हूँ कि यार छोड़ क्या शायरी सुनाऊंगा इनको सर बुक वन मैराथन की टाइमिंग वो सी टी आडर ट्वेंटी फोर सेवन पर है आठ बजे की टाइमिंग है उसकी है ना औकात ख्यालों में भटक जाता हूँ औकात कह रहा कभी कभी ख्यालों में भटक जाता हूँ बाज़ औकात ख्यालों में भटक जाता हूँ इतना चलता हूँ कि, कि बैठे हुए थक जाता हूँ औकात ख्यालों में भटक जाता हूँ इतना चलता हूँ कि बैठे हुए थक जाता हूँ एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को बड़ी तगड़ी लाइन है अगर तुम लोग समझ जाओ तो ठीक है एक चेहरा है जिसको देख कर लम्हा भर को दिल ठहर जाता है मैं आप धड़क जाता हूं कह है एक चेहरा है ऐसा जिसको देख कर दिल तो रुक जाता है लेकिन मैं धड़क जाता हूं ठीक है तो ये कह रहा है कि बाज़ औकात ख्यालों में भटक जाता हूँ इतना चलता हूँ कि बैठे हुए थक जाता हूँ और एक चेहरा है जिसे देख के लम्हा भर को दिल ठहर जाता है मैं आप धड़क जाता हूँ और तीन कोनों से निकलते हैं घुटन खोफ सुकूत सुकूत का मतलब होता है सुकून ठीक है तीन कोनों से निकलते हैं घुटन खोफ सुकूत मैं स, मैं सिरकता हुआ चौथे में दबक जाता हूँ और गम की हिद्दत ने पकाई है कुछ ऐसी मेरी खाक है ना खाका मतलब मिट्टी कह रहा है मेरे को इतना गम है कि मेरी गम ने मेरी मिट्टी को इतना तगड़ी तरीके से पका दिया है ना गम की हिद्दत ने पकाई है कुछ ऐसी मेरी खाक जब भी दीवार से टकराऊं खनक जाता हूं और घर से मैं खींच कर लाता हूं सड़क तक खुद को बहुत प्यारे लाइने का समझ में आ जाए तुम्हारी तो घर से मैं खींच कर लाता हूं सड़क तक खुद को और फिर जिधर लेकर जाए सड़क जाता हूं चलिए खैर आशा करता हूं आज वाली क्लास आप लोगों को बहुत 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 बहुत, बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी पसंद आई है तो इसको लाइक करिए शेयर करिए अपने दोस्तों को दिखाइए मुझे दिखाइए बहुत 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 सारा प्यार और ऐसे ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स लेकर टॉपिक्स लेकर मैं मोहन पठान आप लोगों के सामने रोज बरोज आता रहूँगा वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आज वाली क्लास कैसे लगी तब तक के लिए मोहन पठान आप सबसे कहता है जय हिंद